Hi everyone, welcome to you all in my YouTube channel. And today we will discuss about Queensland, and Queensland has given very good option if you are looking for your PR or 491 or 190 the visa. And this is a map for the Australia. So as we know, there is 7 different states for this. The Tasmania have the separately. You can see this is a separate island. And then this is a Victoria, New South Wales. I am here New South Wales in Sydney, and that Adelaide, South Australia. So, and this is, we are talking about this Queensland, and Queensland has the capital of this is the Brisbane. So mostly if you see, this is in Australia, and geographically this is, I mean, just the charon taraf jo periphery hai wahan par hi population hai, aur beech mein jo hai kuch bhi nahi hai, pura khali ka khali hai ye, hai na? यहाँ बिल्कुल पॉपुलेशन ही नहीं है. ये नॉर्दर्न टेरिटरी वन ऑफ द स्टेट. यू कैन इमेजिन दिस होल स्टेट इज अबाउट 2.1, आई मीन 211,000 पॉपुलेशन यहाँ पूरे एक स्टेट की, यू नो, मतलब लोग हैं ही नहीं. अगर आप सिडनी और मेलबर्न, ये दो सिटी और एक ब्रिस्बेन, ये तीन सिटी को छोड़ दें, तब बाकी ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में जगह ही जगह है, पूरी खाली ही खाली है. मतलब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना जॉब का सेचुरेशन हो गया है. चलो हम चलते हैं क्विंसलैंड की वेबसाइट पे. तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मैं टाइम टू टाइम न्यू अपडेट्स अबाउट इमिग्रेशन डालता रहता हूँ, और एजुकेशन और इस सब के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के बारे में सारी चीज़ों को मैं वीडियो बनाता रहता हूँ. तो चलिए, आई एम लिविंग, आई मीन वी आर टॉकिंग हियर ऑफ श्योर, मतलब आप ऑलरेडी इंडिया या पाकिस्तान में हैं और आपको एप्लीकेशन करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये उनके लिए क्राइटेरिया मैंने यहाँ से चूज़ किया है, और जो ऑस्ट्रेलिया में है उनका अलग से है, तो उनका बाद में देखते हैं उनको. यहाँ पर जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ, आई मीन द क्विंसलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है. आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, BSMQ करके, migration.qld.gov.au, ये उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो उस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो. तो आज हम बात करेंगे सब क्लास 190 और सब क्लास 491. जैसे कि ये जो है ना, दिस वीजा इज फॉर स्किल वर्कर्स हु विश टू लिव एंड वर्क इन क्विंसलैंड परमानेंटली. जो लोग क्विंसलैंड में परमानेंटली बसना चाहते हैं, पीआर चाहते हैं, ये उसी के लिए है 190 और 491. जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये 5 साल का वीज़ा होगा, और 3 साल तक आपको जॉब करनी होगी, और उसमें भी आपको 54,000 के करीब में जो है आपको इनकम दिखानी होगी. तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लियर कट मेंशन किया है 491 में कि आप वर्क फॉर 1 और 2 एम्प्लॉयज, मतलब आप एक के या दो एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हैं. दो एम्प्लॉय मतलब 4 दिन आपने एक जगह काम कर लिया, और 2 दिन आपने एक जगह काम कर लिया, या 4 जगह आपने एक किया, 3 जगह आपने एक किया, तो इस टाइप से आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं दो एम्प्लॉय के साथ में. और देखो एक बात उन्होंने और क्या लिखा, यहाँ लिखा है इन्होंने जो है कि 2 पार्ट टाइम जॉब्स भी आप कर सकते हैं साथ में साथ में. सुबह में कहीं आपने किया, शाम में कहीं और किया, है ना, वीकेंड में कहीं और किया, तो इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं. और बी सेल्फ एम्प्लॉयड और ऑन योर ओन बिजनेस, मतलब आप अपने वहाँ बिजनेस भी खोल सकते हैं, कि आप अपने आप खुद भी एम्प्लॉयड, मतलब अपने कोई शॉप खोल लिया, कोई बिजनेस आपके पास कोई आइडिया है, तो वो बिजनेस भी आप लोग कर सकते हैं 491 पे. ये बहुत ही क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग जाती है, तो आप वहाँ 5 दिन काम करते हैं, और 2 दिन अगर आप जो है पार्ट टाइम कर सकते हैं. पार्ट टाइम आप कुछ भी, आप टैक्सी ड्राइव करें, या किसी शॉप में, कहीं भी आप कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब उन्होंने सारी जो है खुल के बताया हुआ है. तो एक्चुअली ये एप्लीकेशन है रीजनल एरिया के लिए, तो ये ब्रिस्बेन जो है रीजनल एरिया में नहीं आता है, जैसे कि 3 सिटी को छोड़ के बाकी सारा अब जो हो गया है वो रीजनल है, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को छोड़कर. तो ब्रिस्बेन के अलावा ये जितनी भी ये जो नंबर बताए हैं यहाँ पर, ये सारे नंबर्स वहाँ के पिन कोड हैं. तो जहाँ जहाँ भी ये पिन कोड आएगा, जो जो स्मॉल स्मॉल सिटीज़ वहाँ पे हैं, जो टाउन्स हैं वहाँ पर, इन सब में आपको पीआर मिलेगा, और आप लोग यहाँ इन सब जगह पे आप लोग किसी में भी आप लोग जो है रह सकते हैं, ये ऐसा बताया गया है, ठीक है. अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उन्होंने 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, तो वो दोनों आपको पूरा करना है. एक तो एक है एच ए, मतलब ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जो एक क्राइटेरिया है, और एक है बिजनेस एंड स्किल माइग्रेशन क्विंसलैंड, BSMQ क्राइटेरिया है. तो एच ए क्राइटेरिया क्या है, एच ए क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू
मतलब आपके 65 पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम, और जो भी आपका स्किल असेसमेंट आपका होना चाहिए वो स्किल असेसमेंट आप कराएंगे अगर आपका लिस्ट में नाम है तो। वो मैंने पिछले वाले दो वीडियोस में बताया हुआ है, वो आपने होपफुली आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप लोग स्किल असेसमेंट वाला और कैसे अगर आपको सर्च करना है अपना ऑक्यूपेशन वो देख सकते हैं। और फिट है, मिनिमम क्राइटेरिया इंग्लिश का मीट करना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब मिनिमम 6 मांगते हैं उसके अंदर, मिनिमम 6 हो, है ना, और एज जो है 45 से कम हो, और जो है ना, और कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए 190 को, 491 को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग अभी बाद में आएंगे। नंबर टू क्राइटेरिया क्या है? नंबर टू क्राइटेरिया इनका था BSMQ क्राइटेरिया। इसमें क्या हैव एन ऑक्यूपेशन ऑफ द QSOL ऑफ श्योर लिस्ट, मतलब इन्होंने जो है एक ऑन श्योर और ऑफ श्योर एक लिस्ट बनाई है क्वींसलैंड ने, तो आप उस लिस्ट को आप चेक करेंगे। अगर ऑफ श्योर है तो फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फिर आपको एक एविडेंस दिखाना है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी स्टडी के बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटेक किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप लोग जो है इसको लिए एलिजिबल हैं, है ना। मोर एक्सपीरियंस में भी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ ऑक्यूपेशन पे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा बताया गया है। और आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि आप क्वींसलैंड में ही रहेंगे, मतलब आप बताएंगे कि आप क्यों रहेंगे इस स्टेट में ही, आप क्यों आना चाह रहे हैं ना, इस तरह से आप रीज़न एक बनाना पड़ता है वो, तो ये हो गया। और इन्होंने एक बात और लिखी यहाँ पर, नोट है यहाँ पर कि अगर आप PhD हैं तो आपको जो है इफ़ यू आर ओवरसीज PhD ग्रेजुएट यू मे बी एलिजिबल फॉर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट वेवर, मतलब आपको जो है जॉब की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो आपने एक्सपीरियंस है उसको अभी वेव कर देंगे, एटलीस्ट आपके पास 1 साल का वहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है तो। इन्होंने ये बात कही है, तो यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है क्वींसलैंड में कि आपको जॉब ऑफर रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पर क्वींसलैंड में जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये बहुत ही शानदार बात है। क्वींसलैंड में आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी बाकी जो स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में जो है वो मांग रहा है कि आपको वहाँ पर जो है वो होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास एक लेटर हो और यहाँ लेटर नहीं है फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, क्या एक्स्ट्रा इन्होंने क्या किया हुआ है 491 के लिए। तो अभी ये फिर से वही इमी की वेबसाइट पे जाएगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की थी और ये है फेडरल गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी BJP की गवर्नमेंट है और आप किसी और स्टेट में रहते हैं जैसे महाराष्ट्र में या किसी और दूसरे स्टेट में, उनकी अलग वेबसाइट है ना। तो अभी हम आ गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, यू मस्ट, मतलब क्या क्या बोल रहे, मस्ट बी नॉमिनेटेड टू अप्लाई स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी आपको क्वींसलैंड, और हैव एन ऑक्यूपेशन रिलीवेंट स्किल, मतलब आप केवल ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो और आपने जो है स्किल्ड, मतलब आपने जो उसका वो असेसमेंट करवा लिया हो, ठीक है। बी इन्वाइटेड टू अप्लाई, क्योंकि स्टेट आपको इनवाइट करेगा तब आप जो है यहाँ पर जो है कर सकते हैं। और सेटिस्फाइड टू द पॉइंट टेस्ट, मतलब 65 मिनिमम पॉइंट्स हैं अगर आपके होंगे तो फिर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। तो ये वीज़ा 5 साल का, मतलब जैसे मैंने तो बताया आपको यहाँ पर लिविंग और उसके लिए, और फिर यहाँ पर जो है आप कितनी बार आए जाएँ वो ठीक है। और जो कॉस्ट इसकी होती है $4,045 है इसकी सिंगल के लिए, मगर आपकी अगर फैमिली है वाइफ और बच्चे तो फिर वो जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था वो कैलकुलेशन करके। और यस यही है, मतलब एक ये है प्रोविजनल और फिर एक है सब्सिक्वेंट। फॉर एग्जांपल आप पहले आ गए और फिर आपकी वाइफ या आपने यहाँ उनकी शादी कर लिया उस टाइप से, फिर किसी और का वीज़ा आप करेंगे वाइफ का या उनका, तो फिर उसके लिए अलग से ये वीज़ा फाइलिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग जो है सब्सिक्वेंट एंट्रेंट बोलते हैं, है ना, और उसके लिए है ये। तो यही एक सिंपल क्राइटेरिया था, इसमें बेस्ट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने वर्क की कंडीशन नहीं लगाई है, वो बहुत ही टफ है वर्क कंडीशन मिलना, तो यहाँ पर वर्क की कंडीशन नहीं है। तो आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, क्वींसलैंड बेस्ट स्टेट हो सकता है आपके लिए, और यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ब्रिस्बेन को छोड़ के, और बहुत सारी सिटीज़ हैं यहाँ पर, तो आप लोग जो है वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हैं। जैसे कि जॉब के बारे में मैंने बताया था कि क्या आप जॉब कर सकते हैं रीजनल एरियाज में, उसके ऊपर मैंने पिछले वाले वीडियो बनाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और
कि क्या क्या जॉब हो सकती हैं रीजनल एरियाज में और कितनी सैलरी हो सकती है और 54,000 आप कैसे कमा सकते हैं, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में पूरा जो है एनालिसिस करके बताया था आपको यहाँ पर। तो आप लोग खुद से इसकी वेबसाइट पर जाएँ और किसी भी यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको जो है एजेंट की या किसी की, और आप कुछ भी अगर मेरी अपनी हेल्प लेना चाहते हैं तो मैंने भी अभी जो है छोटी सी कंसल्टेंसी टाइप की शुरू की है कि आपके आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन है कि आप कैसे कर सकते हैं, आपको जो है एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो तो एजेंट तो जो है 4-5 लाख तक जो है वो लोग चार्ज करते हैं इंडिया में, बहुत सारे एजेंट जो है धोखा देते हैं, तो आप उनके चक्करों में ना आएँ, आप एप्लीकेशन खुद भी कर सकते हैं, है ना। और अगर कुछ भी एडवाइस भी मैं बात को बताऊँगा कि आपको जॉब कैसे आप सर्च कर सकते हैं उसके बारे में भी, और मैं भी आपको घर कैसे ढूंढना है जब आप इनिशियली आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो ये सारी कुछ भी होंगे तो मैं सारी आपको पूरी सपोर्ट दूंगा, और अगर आप जो है मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो फिर आप लोग जो है मेरे लिए जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है +61 4024 2 0 सॉरी +61 4242 37664 6142 4237664, ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप मेरी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो। और आई होप का आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।